लेकिन दोस्तों ये खबर मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर में इन दिनों जो है अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई जोरों पे है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नए कमिश्नर IAS चंद्रकांत डांगे ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कार्यभार संभाला है और उनके कार्यभार संभालने के फौरन बाद जो है अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई जोरों से है। काफ़ी समय से जो है मीरा भाईंदर के काशी गांव में अवैध निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा था और इसकी समय समय पर शिकायत भी मनपा को की जा रही थी और इसको देखते हुए जो है आज एक बड़ी कार्रवाई जो है काशी गांव में हुई है, जहां पे 18 रूम जो है 18 पक्के मकान को तोड़ा गया है जो कि पूरी तरह से अवैध था। और तरह का जो अवैध निर्माण होता है उसके बीच में जो है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसकी मिली भगत साठगांठ से जो है ये बनता है। तोड़क कार्रवाई करने गए चंद्रकांत बोर्ड से, प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत बोर्ड से, और उनकी जो टीम थी पूरी टीम थी इस पे कहीं ना कहीं पथराव हुआ और ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं भूमाफियाओं के जो है सह पे जो है उन पे पथराव हुआ और इस पे जो है फिर भी तोड़क कार्रवाई पूरी हुई। चंद्रकांत बोर्ड से बिना डरे जो है इस पूरे मामले में जो है उन्होंने तोड़क कार्रवाई की। 18 मकान को जो है जो अवैध तरीके से बने हुए थे उसको तोड़ दिया गया है और जो इसमें जो पथरावबाजी वगैरह में जो भी लिप्त है, जो भी नाम सामने आए हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है पिछले कई बार ऐसे आरोप लगते आ रहे थे कि कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत मिलने के बाद भी जो है अवैध बांध काम का धंधा जो है पूरे जोर शोर से चलता रहता है, जिधर देखो उधर अवैध बांध काम। और मीरा भाईंदर में अवैध बांध काम की कमी ही नहीं है, चाहे छोटे हो बड़े हो अवैध बांध काम होते ही रहते। तो इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब से जो है मीरा भाईंदर के नए कमिश्नर IAS चंद्रकांत डांगे जी आए हैं तब से इन सब चीज़ों पे सख्ती की गई है। उनके आदेश और निर्देश पर वार्ड क्रमांक 6 के अधिकारी चंद्रकांत वोरसे ने आज एक बड़ी तोड़क कार्रवाई की। थैंक यू सो मच।